Assalamualaikum students, आज हम start करेंगे हमारा next chapter which is the electromagnetism. So इस chapter में हम study करेंगे कि अगर electricity pass out करती है किसी conductor के अंदर से तो उसका क्या effect होता है, यानी कि वो magnetic field produce करती है या नहीं करती. So अगर electricity के pass करने से magnetic field produce हो रही है तो collectively इसको कहा जाता है electromagnetism. ये phenomena जो है वो electromagnetism कहलाता है. So इस topic में और इस chapter में हम जो भी बात करेंगे वो करंट से रिलेट करी होगी, लेकिन उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और उसको फाइंड आउट करने का, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के भी मेथड को हम देख सकते हैं. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. सो हम किस चीज़ में अभी फ़िलहाल इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक स्ट्रेट वायर में जो कि लंबी है. क्या करेंगे, सिंपली एक वायर की बात की गई है, हमें पता है कि वायर जो है वो बारीक सी होती है इस तरह से, और हमने एक कंडक्टिंग वायर ली है. कंडक्टिंग क्यों ली है, क्योंकि हम करंट की बात कर रहे हैं. करंट जो है वो इजीली किस में से पास आउट कर सकता है, कंडक्टर्स के अंदर से पास आउट कर सकता है. सो एक कंडक्टिंग वायर है जिसको इस तरह से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है ताकि इसको सप्लाई मिल सके करंट की. सो लेट सपोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इस तरह से है, या हमारे पास अगर बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है. जो बड़ा टर्मिनल होता है या बड़ी लाइन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रही होती है, जो छोटी लाइन होती है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रही होती है. सो हमने क्या किया है, फ़िलहाल तो कनेक्ट कर दिया है जस्ट एक कंडक्टिंग वायर को एक बैटरी के साथ ताकि वो करंट सप्लाई कर सके. अब क्या होगा, हम देखना चाह रहे हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही. तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है. अगर मैग्नेट्स की बात करें तो मैग्नेट्स, अगर दो मैग्नेट एक दूसरे के करीब हैं तो वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो चिपक जाते हैं, या समटाइम वो एक ख़ास पॉइंट पर आके जब उनके सेम पोल्स यानी नॉर्थ पोल या हम एक बार मैग्नेट पहले बना लेते हैं इस तरह से. जो भी आप मैग्नेट लेंगे उसकी एक साइड नॉर्थ पोल होगी, एक साइड साउथ पोल होगी. अगर ऐसा हो जाता है कि आप मैग्नेट की डायरेक्शन को चेंज करते हो और वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, इतना रिपेल करते हैं कि आप जब उनको करीब ला रहे होते हो आपको एक सही फोर्स लगती हुई फील हो रही होती है. सो आप उस फोर्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हो. और अगर वो जो फोर्स है वो एक इस तरह की है कि वो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इट मींस के लाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे के सामने आ चुके हैं. वो नॉर्थ नॉर्थ पोल भी हो सकते हैं, यानी ये लाइक पोल्स हैं जो एक जैसे हैं, नॉर्थ नॉर्थ भी हो सकते हैं या साउथ साउथ भी एक दूसरे के सामने हो सकते हैं. लेकिन अगर आप डायरेक्शन उसकी चेंज करते हैं और उसकी डायरेक्शन चेंज करने की वजह से मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाते हैं, इट मींस के अनलाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे के सामने हैं. और अनलाइक पोल का क्या मतलब होता है कि एक साउथ है और एक नॉर्थ है, या यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, तो ये अनलाइक हो जाते हैं, एक जैसे नहीं है, सो इनको अनलाइक कहते हैं. इससे क्या होगा कि अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का हम देख सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं कि इस टाइम पे अट्रैक्शन हो रही है, इस टाइम पे रिपल्शन हो रही है. सो वो बेसिकली जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो क्या है कि इस मैग्नेट की एक फील्ड प्रोड्यूस होती है. फील्ड किस तरह से होती है और इसकी फील्ड लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि नॉर्थ से आउटवर्ड जाती हैं और साउथ में एंटर होती हैं. सो इस तरह की हमें फील्ड लाइंस नज़र आ रही होती हैं. यही काम यहाँ पे होता है जब एक जिस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर से करंट पास आउट होता है. कंडक्टिंग मटेरियल से जब करंट पास आउट होगा तो इस तरह की फील्ड बनना शुरू हो जाएगी. अब यहाँ पे तो हमें एग्जैक्टली पता है कि जब हम बार मैग्नेट ले रहे होते हैं तो नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ में एंटर हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन. लेकिन अगर हमने कंडक्टिंग मटेरियल के केस में पढ़ना है तो हमें इसका आइडिया जो है वो एक रूल से भी होगा. और इससे पहले हम देखते हैं कि क्या जो है करंट को पास आउट करवाने से वाकई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही. तो इसके लिए क्या करना है, ये हम लोगों ने पूरा एक सेटअप ले लिया हुआ है. इस सेटअप में जो एक चेंजिंग आपने करनी है वो ये कि आपने एक कार्डबोर्ड लेना है और पहले कार्डबोर्ड को यहाँ से पास आउट करके ऑलमोस्ट सेंटर में ले आना है इस तरह से, और यहाँ पे होल रखेंगे तभी ये अंदर से पास आउट कर सकेगा, ये जो कंडक्टिंग वायर है. सो हमने क्या किया है, यहाँ पे
बोर्ड सा रख दिया है और वो बोर्ड रखने का क्या मकसद है, ताकि हम कंपास नीडल्स को यहाँ पे प्लेस करवा सकें। और कंपास नीडल्स पे क्या होता है, वो इस तरह से बनी होती है, एक साइड पे नॉर्थ होता है, एक साइड पे साउथ होता है और एक नीडल होती है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो जिस डायरेक्शन में हो रही है ये नीडल उस साइड पे मूव कर जाएगी, नॉर्थ या साउथ। अगर नहीं है तो ये एक जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है या सूटेबल पॉइंट होता है वो उस पर स्टेबल रहेगी। अब आपने क्या करना है, इन कंपासेस को ला के यहाँ पर प्लेस करवा देना है। अगर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, इट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो करंट जिस डायरेक्शन में भी अपवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एक वायर के अलोंग, वो किस तरह से होगी कि अगर आपने यहाँ पे वो कंपास रखी है तो ये थोड़ा इस साइड पे तिरछी जा रही है, इधर रखी है कंपास तो ये कुछ इस तरह से जा रही है। इट मीन्स कि ये एक सर्कुलर शेप में प्रोड्यूस हो रही है, सर्कुलर शेप होगी मैग्नेटिक फील्ड की इन केस ऑफ वायर। सो आप जब वायर का केस डिस्कस कर रहे हैं जो कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उस केस में ये कंपास नीडल्स इस तरह से अपने आप को अलाइन कर लेंगी, एक इस तरह होगी दूसरी इस तरह, अगर हमने फोर रखी हुई है तो ये अलाइन सर्कुलर पाथ में कर लेंगे। इट मींस कि जो अब इस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कुछ इस शेप की है, इस तरह से इस वायर के अलोंग। सेकेंडली, अब हमने ये बात तो कर ली कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो वो हम कंपास नीडल से फाइंड आउट कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड करंट के फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और उसकी शेप सर्कुलर होगी, सो वो सर्कल में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फोर्स जो फील्ड है वो हमें फील होगी। अब थर्ड बात आ जाती है कि सर्कुलर तो अब हमें पता चल गया, लेकिन क्या ये एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी, या क्लॉकवाइज होगी। हमारा जो मेजर पोर्शन है वो इसी बात पे लाइ कर रहा होता है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि अगर हम बार मैग्नेट की बात करते हैं तो हम सिंपली कह देते हैं नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में एंटर हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब हमें बताना पड़ेगा, चूँकि हम सर्कुलर की बात कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकती हैं या क्लॉकवाइज हो सकती हैं। और हमारे जो एमसीक्यूज़ है वो भी इस पोर्शन से बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं क्योंकि पास्ट पेपर्स में इस एमसीक्यूज़ के बारे में पूछा भी जा चुका है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय आर राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल। सो ग्रिप रूल तो नहीं है आई थिंक, येस जस्ट अ राइट हैंड रूल, और यू कैन से राइट हैंड ग्रिप रूल। करना क्या है आपको, आपको अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड में अगर आप इस कंडक्टिंग वायर को पकड़ रहे हैं जिस तरह ये मार्कर है, और मैं कह रही हूँ कि ये जो ब्लैक साइड है, जो कैप वाली साइड है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है बैटरी का, दूसरी साइड पे नेगेटिव टर्मिनल अटैच है। इट मींस के अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करते हैं, सो ये बॉटम टू टॉप करंट फ्लो कर रहा होगा। अब मैंने राइट हैंड में इसको मार्कर को पकड़ना है इस तरह से कि जो डायरेक्शन है करंट की, लाइक ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है यानी बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है, तो मेरा थंब उस डायरेक्शन में होना चाहिए। सो अपवर्ड डायरेक्शन में थंब हो जाएगा। बाकी जो आपके फिंगर्स हैं आपने इनको कर्ल करने, ये जो कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन है ये आपको बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आइदर वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। सो अगर हम इसको देखें कि अभी हमने राइट हैंड में इसको पकड़ा हुआ है और ये इस तरह से मूव कर रही है, क्लॉक की डायरेक्शन होती है इस तरह से 12, 1, 2, 3, लेकिन ये चूँकि उल्टा जा रहा है कि पहले 12 है देन उसके बाद बैकवर्ड आना शुरू हो गया, इट मीन्स कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो अगर करंट बॉटम टू टॉप जा रहा होता है, बॉटम टू टॉप, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। एंड अगर अब हम टॉप टू बॉटम की बात कर लेते हैं, मैंने कहा कि मैंने इस साइड पे जो है पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया बैटरी का, जबकि दूसरी साइड पे नेगेटिव टर्मिनल अटैच किया है, इट मींस कि आप पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करना है।
पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब है कि थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी. अब अगर थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसको मैंने जो है अपने राइट हैंड में पकड़ लिया हुआ है, तो ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. सो अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है. सो उस केस में जब टॉप टू बॉटम चलता है, फ्लो करता है करंट, सो उस टाइम पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है. सो ये आपके बहुत मेन और मेजर MCQs हैं. ये आपसे इस तरह पूछे जाते हैं कि अगर करंट एक कंडक्टिंग वायर में टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, पैरेलल, समथिंग एल्स जो है आपको पूछा जा सकता है. सो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि डायरेक्शन कौन सी बताई गई है. और अगर आपको ये याद नहीं भी रहता तो इसको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपको जस्ट इतना याद होना चाहिए कि इस पे राइट हैंड रूल लगते हैं. और राइट हैंड रूल से क्या पता चलता है, थंब जो है करंट की डायरेक्शन में होगा एंड कर्लिंग फिंगर्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगे. सो आप इजीली, अगर आपको टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप पूछा जाता है, तो आप इजीली जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये था हमारा टॉपिक.